हेलो बच्चा लोग, मैं हूँ प्रोफेसर विनय मोरे। यू आर मोस्ट वेलकम इन डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। एज वी हैव स्टार्टेड मॉडल नंबर 6 ऑफ डायनामिक्स ऑफ मशीनरी, बैलेंसिंग का पार्ट का आपने आई होप पहले का जो वीडियो था वो आपने देखा होगा, बेटर तरीके से समझा होगा। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू पार्ट ऑन द सेम मॉडल, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस इन इनलाइन इंजन। ओके तो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट, मैं आपके साथ एक मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गाइज, बिफोर 2016 व्हेन द सिलेबस वाज सीबीएचजीएस, ओके, और उसके पहले भी इट वाज अ मैकेनिकल वाइब्रेशन सब्जेक्ट, जब इसका वेटेज होता हुआ करता था 100 मार्क्स का, और बैलेंसिंग का ना भी बोलो तो मिनिमम 20 से लेकर 25 तक इसके ऊपर क्वेश्चन आते थे। अगर आपके पास अभी कोई टेक्स्ट बुक होगा, टेक मैक्स होगा, तो आप देख सकते हो कि काफी लेंदी लेंदी न्यूमेरिकल्स बैलेंसिंग के ऊपर अवेलेबल है। तो वो जमाना हुआ करता था जब इसके ऊपर 25 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आया करते थे। बट अभी का जमाना काफी अलग है। आपका अभी का जो वेटेज है सब्जेक्ट का, इट्स अराउंड 80 मार्क्स। ओके, उसका लास्ट मॉड्यूल है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का भी फर्स्ट पार्ट है रोटर डायनामिक्स। ओके, सो जहाँ पे इसका वेटेज था अराउंड अप्रोक्सीमेट 20 मार्क्स, उसमें से 5 to 6 मार्क्स इज ऑलरेडी गॉन टू द रोटर डायनामिक्स। ओके, तो बचा कितना, हार्डली हार्डली 12 to 14 मार्क्स। उसके अंदर भी एक थ्योरी आएगा बैलेंसिंग के ऊपर, तो बचे कितने, 10 to 12 मार्क्स। सो 10 to 12 मार्क्स के ऊपर आइदर जो फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो था उसमें से क्वेश्चन आएगा, या तो फिर अभी जो मैं लेने जा रहा हूँ उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बट अगेन आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू कि ये क्वेश्चंस अभी लेंदी नहीं हो गए। जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ वो लेंदी है, बट उसका हाफ 50% पार्ट आपको आएगा एग्जाम में, क्योंकि पिछले 2-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चन आना शुरू हो गया। बट जैसे कि पहले आपको फोर्स पॉलीगॉन निकालना है, कपल पॉलीगॉन निकालना है, बट यहाँ पे आपको प्राइमरी फोर्स पॉलीगॉन, प्राइमरी कपल पॉलीगॉन, सेकेंडरी फोर्स पॉलीगॉन, सेकेंडरी कपल पॉलीगॉन, तो इतने 4 पॉलीगॉन आपको ड्रॉ करने हैं जो 10 और 12 मार्क्स के बजट में फिट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको आइदर प्राइमरी बोलेंगे या तो फिर सेकेंडरी आपको सॉल्व करना है, मतलब 50% पार्ट इसके आने के चांसेस है। काफी सिंपल है, आप इसको एंजॉय करोगे, नो डाउट अबाउट दैट। सो बिफोर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी, ओके, सो लेट्स सी, अ 6-सिलेंडर 4-स्ट्रोक वर्टिकल इनलाइन इंजन, 6 सिलेंडर है, रिमेंबर 4 स्ट्रोक है, मीन्स 2 रिवॉल्यूशन, वर्टिकल इनलाइन इंजन। ओके, सपोज वर्टिकल अगर मेंशन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है वहां से सारे हम एंगल्स मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, बचपन से सीखा हुआ एंगल्स कैसे मेजर करते हैं, तो हम सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं और वहां से एंटी क्लॉकवाइज में प्रोट्रैक्टर लगा के हम एंगल्स मेजर करते हैं। बट यहाँ पे वर्टिकल इनलाइन इंजन है, इट मीन्स आपका स्टार्टिंग हॉरिजेंटल लाइन से नहीं होगा, वर्टिकल लाइन से होगा, और वर्टिकल लाइन से आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। गॉट इट? नेक्स्ट, इट्स अ फायरिंग ऑर्डर इज 1, 4, 5, 2, 3, 6। ओके, फायरिंग ऑर्डर का यूज कहाँ पे, यहाँ पे है, हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स में। फायरिंग ऑर्डर भी दिया हुआ है, फिर बोला है द मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स पर सिलेंडर इज 2.5 kg। गाइस, यहाँ पे दिस इज अ मिस प्रिंटेड, ओके, एक्चुअली इट्स अ 2 kg है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स में पिस्टन का मास दिया हुआ है कितना है, 2 kg है। स्ट्रोक कितना है, 100 mm है। कनेक्टिंग रॉड लेंथ इज 200 mm, कनेक्टिंग रॉड का लेंथ भी दिया हुआ है। द सिलेंडर सेंटर लाइंस आर स्पेस एट 300 mm अपार्ट, दो सिलेंडर का इन बिटवीन डिस्टेंस दिया हुआ है 300 mm। द क्रैंक शाफ्ट स्पीड इज 300 rpm, कैपिटल एन दिया है, ओमेगा मिलेगा। Examine the engine for the balance of the primary and secondary forces and couples. Okay, आपको चेक करना है whether it is closed or not, balance है कि unbalanced है। If the engine is not completely balanced, suggest a suitable firing order to make it complete balance. ये एक जमाना हुआ करता था जब इसका weightage 15 marks हुआ करता था। Okay, so अभी इतना नहीं आएगा। So फिर भी let's see, mass दिया हुआ है, क्रैंक रेडियस दिया हुआ है, कन्वर्जन करके लिए मीटर में, रॉड लेंथ दिया था,
0.2 मीटर, ऑब्लिक्विटी रेशियो, अभी ये कहाँ पे यूज होता है तो आपको सबसे लास्ट में यूज होगा, तो फिलहाल देख के रखो, एन इज एल अपॉन आर कनेक्टिंग रॉड लेंथ टू द क्रैक रेडियस, वो फाइंड आउट किया, 4 मिला मुझे। देन स्पीड ऑफ द इंजन आरपीएम दिया है, ओमेगा फाइंड आउट किया, सो ये आएगा फर्स्ट। ओके सो सबसे पहले आएगा लेफ्ट साइड में आपका गिवन डेटा। नेक्स्ट आपके आपको क्या करना है, आपको देख ड्रॉ करना है ये वाला पोजीशन ऑफ प्लेन्स। पोजीशन प्लेन्स देयर आर 6 सिलेंडर्स, वो मैंने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट इन बिटवीन डिस्टेंस कितना बोला था, 0.300 mm, सो 0.3 0.3 0.3 0.3। ओके सब कुछ ड्रॉ हो गया, फिलहाल रेफरेंस प्लेन कैसे डिसाइड करना है वो टेबल से देखेंगे। तो ये होने के बाद मैं सॉल्व करूंगा टेबल के लिए। सबसे पहले क्या, मास, नेक्स्ट रेडियस, फिर मास इनटू रेडियस, देन आई विल गेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फिर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करता हूँ, देन आई विल गेट कपल। और यहाँ पे अलग क्या है, तो अलग है ये एंगल्स, प्राइमरी क्रैंक पोजीशन जिसको मैं थीटा बोलूंगा और सेकेंडरी क्रैंक पोजीशन जिसको मैं ट्वाइस थीटा बोलूंगा। तो ये दो न्यू कॉलम्स इस न्यूमेरिकल में ऐड हो गए। गॉट इट? क्योंकि ये अलग क्यों था, पहले के न्यूमेरिकल्स में फायरिंग ऑर्डर दिया नहीं था, पहले के न्यूमेरिकल्स में एंगल्स दिए होते हैं, बट यहाँ पे बोला है फायरिंग टेक्स प्लेस विद इक्वल एंगुलर इंटरवल, एंगल्स आर नॉट गिवन, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द बैलेंसिंग। ओके ये आपको हिंट है, फायरिंग ऑर्डर दिया है, एंगल्स दिया नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे देखो कुछ भी अननोन नहीं है, एवरीथिंग इज नोन, मास सबका सिलेंडर पिस्टन का सेम ही होगा, 2.5 2.5 2.5। ओके सो 2.5 2.5 2.5 सबका रेडियस दिया हुआ था, देन यू विल गेट फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ आई वांट टू डिसाइड रेफरेंस प्लेन, जैसे कि पहले टाइप के जो वीडियोस थे वहां पे हमने देखेंगे कि सपोज देर आर टू अननोन्स, तो हम एक को हम एज अ रेफरेंस प्लेन डिक्लेयर करते थे, देन उसका खुद से खुद का सेल्फ डिस्टेंस होता था जीरो। ओके तो एक ही अननोन को लेकर हम सॉल्व कर सकते थे, बट नथिंग इज अननोन हियर। So, आपको क्या करना है, टोटल 6 सिलेंडर्स है तो 6 का मिडवे आपको सिलेक्ट करना है एज अ रेफरेंस प्लेन। सो 6 का मिडवे मींस आएगा दिस वन, ओके एज अ रेफरेंस प्लेन मैंने इसको, इसके बैक साइड में नेगेटिव डिस्टेंस, इसके राइट साइड में पॉजिटिव डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस मिलेंगे, 3 डिस्टेंस नेगेटिव में, 3 डिस्टेंस पॉजिटिव में। ओके फाइन, नेक्स्ट नाउ we have to decide angles, angles are not given here, so angles कहाँ से आएंगे, तो angles आएंगे यहाँ से। ओके इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने हैं, 6 सिलेंडर्स है। ओके एंड फोर स्ट्रोक मीन्स कितने बार उसका रिवॉल्यूशन होगा, 2 टाइम्स, तो 1 रिवॉल्यूशन में टोटल एंगल कितना कवर हो रहा है, टोटल 360 डिग्री, और ट्वाइस होगा तो कितना होगा, 720 डिग्री। ओके सो 720 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सिलेंडर्स 6, सो 6 सिलेंडर के बीच में एंगल कितना होगा, दैट इज 120 डिग्री। अब इस एंगल का करें क्या, तो एंगल को क्या करना है, आपको फायरिंग ऑर्डर को फॉलो करना है। फायरिंग ऑर्डर क्या है, 1 4 5 2 3 6, सो आपको थीटा वन मैं उसको रेफरेंस एक्सिस लेता हूँ 0 डिग्री। नेक्स्ट है 4 4, आप गैप कितना रहेगा 120 डिग्री का, तो थीटा 4 रहेगा आपका 120। थीटा 4 के बाद क्या दिया हुआ है, 5, सो थीटा 5 120 ऑलरेडी है, प्लस 120 यू विल गेट 240। नेक्स्ट है 2, सो 240 प्लस 120 यू विल गेट 360। नेक्स्ट है 3, 360 प्लस 120 यू विल गेट 480, एंड फाइनल 6, सो 480 प्लस 120 यू विल गेट 600। सो फायरिंग ऑर्डर से मैंने उसके एंगल्स भी डिसाइड कर लिए, सो यहाँ पे मैंने उनको लिख दिया 0, सो थीटा 1 कितना था 0, फिर थीटा 4, थीटा 2 कितना है यहाँ पे देख चेक करो, यहाँ पे दैट इज अ 360 डिग्री। थीटा 3 कितना है, 480, थीटा 4 है 120, थीटा 5 है 240, थीटा 6 है 600। सो ये सारे एंगल्स मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिए। ट्वाइस थीटा में आपको क्या करना है, इसका डबल करना है, 0 का ट्वाइस 0, 360 का 720, 480 का 960, 120 का 240, 240 का 480, 600 का
1200। अभी इतने बड़े बड़े एंगल्स देख के बच्चा डर जाएगा। आपको कुछ भी नहीं है, आपको ड्रॉ करना है, इतना दिमाग में फिट करके रखो कि 1 revolution में 360 degree, 2 revolutions में 720 degree। ओके, सो यहाँ पे देखो, 0 360 मीन्स 1 revolution कंप्लीट हुआ। सो 0 and 360 इज नथिंग बट बोथ आर द सेम। नेक्स्ट 480, इट इज अ मोर देन 360। एक रिवॉल्यूशन होने के बाद 480 होगा। सो इसमें से मैं 120, इसमें से 480 में से मैं 1 revolution, दैट इज अ 360 माइनस करता हूँ, देन आई विल गेट 120 degree। तो मुझे एंगल मेजर करने के लिए बेटर इजी होगा। नेक्स्ट है 120, 240 तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। नेक्स्ट है 600, ओके 360, नेक्स्ट है 720। तो 360 and 720 मतलब बिटवीन 1 and 2 revolution है, तो मैंने इसमें से 360 माइनस कर दिया, आई गॉट 240। सेम यहाँ पे ट्वाइस करो, यहाँ पे 960 है, इट इज अ मोर देन 720। सो 960 माइनस 2 revolution होने के बाद 960 आपको मिलेगा। सो 2 revolution कितना होता है 720, वो माइनस करो, यू विल गेट 240। यहाँ पे 480 था, इट इज अ मोर देन 360 बट लेस देन 720। सो एक रिवॉल्यूशन होने के बाद 480 डिग्री मुझे मिलेगा, सो माइनस 1 revolution, आई गॉट 120। ऐसे करते हुए आपको ये देखना है, सिंपल है, डोंट वरी। तो ओके, तो सबसे पहले हमने गिवन डेटा, देन लीनियर पोजिशन, देन टेबल। फिर अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देख के आपको सबसे पहले सॉल्व करना है प्राइमरी के लिए। तो 0 and 360 कहाँ पे होगा, स्टार्टिंग बोला था वर्टिकल इनलाइन इंजन, तो मेरा वर्टिकल इनलाइन, मेरा रेफरेंस एक्सिस होगा यहाँ से, गॉट इट। अगर ये वर्टिकल सपोज मेंशन नहीं होता तो मेरा कहाँ पे आता, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे आता, ओके, अदरवाइज मैं यहाँ पे कंसिडर करता, बट यहाँ पे वर्टिकल इनलाइन बोला है, सो मुझे वर्टिकल ही रेफरेंस प्लेन देना है, ओके, सो मेरा 0 degree ऊपर आएगा। नेक्स्ट 120, ठीक, ओके, मास 3 and mass 4 कहाँ पे, 120 पे, सो यहाँ पे रखो और एंगल मेजर करो। तो 120 मुझे कहाँ पे मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज में। नॉर्मली हम एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं, सो यू विल गेट हियर θ3 120 पे। और नेक्स्ट 240 पे 5 and 6 टेबल में चेक करो, 240 फॉर 5th and 6, सो यू विल गेट 5 and 6 ओवर हियर। फाइन, ये समझा। नेक्स्ट अभी आपको ड्रॉ करना है फोर्स एंड कपल। इसके प्रीवियस वीडियो में हम क्या करते थे, मिनिमम नंबर ऑफ अननोन्स को हम क्या करते थे, फर्स्ट प्रेफरेंस देते थे, बट यहाँ पे कुछ भी अननोन नहीं है, तो आप सबसे पहले फोर्स को सॉल्व कर सकते हो, देन कपल को भी सॉल्व कर सकते हो। तो फोर्स का वैल्यूज देखो कितना है, 0.125, 0.125, 0.125, 0.125। सो यहाँ पे स्केल तो एक ही ले लो, आइदर 0.125 इक्वल टू 1 centimeter लो या तो फिर 2 centimeter लो, वो आपकी मर्जी, जो आपको कंफर्टेबल होगा वो आप यहाँ पे स्केल चूज कर सकते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे वेरी नहीं हो रहा है और सबका लेंथ सेम है और सब पॉजिटिव है, तो सब पॉजिटिव है। सो सबसे पहले क्या है, 1, तो मैं एक पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट से 1 and 2 बोथ आर दी पॉजिटिव, तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स अपवर्ड साइड, सो आई विल गेट 1। नेक्स्ट 2, स्केल लेके मैं सॉल्व करूंगा इसको, ओके। नेक्स्ट है 3 and 4, पॉजिटिव मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, सो सबसे पहले मैं 3 को ड्रॉ किया, फिर 3 के बाद मैंने 4 को ड्रॉ किया। नेक्स्ट 5 and 6, अवे फ्रॉम द सेंटर, सो अवे मीन्स यहाँ पे आएगा नीचे की तरफ, सो सबसे पहले 5 then 6, आई गॉट क्लोज पॉलीगॉन, गॉट इट, सिंपल है, ये क्लोज ही आना था। नेक्स्ट फोर्स हो गया, अभी देखते कपल। तो सबसे पहले देखो गाइस, हमेशा भी ये डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, इस सीक्वेंस को ही फॉलो करना है। तो पहले था 1 2, तो 1 2 का चेक करो, 1 कितना है कपल में, माइनस है 0.937, 0.056, 0.018, तो यहाँ पे स्केल कैसे डिसाइड करोगे, तो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू को चेक करो, दिस इज 0.018, इसको कंसीडर करो एज अ 1 centimeter या तो फिर 2 centimeter, यू विल गेट योर स्केल। इसका कन्वर्जन करना है तो 0.056 कैसे करोगे, 0.056 डिवाइड बाय मिनिमम कितना था, 0.018, अराउंड ये आएगा, अराउंड 3 centimeter तक ये डिस्टेंस आएगा,
और ये जो डिस्टेंस है 0.0937 डिवाइड बाय 0.018 का तो अराउंड 6 सेंटीमीटर तक जाएगा। ओके, तो मैंने स्केल डिसाइड कर लिया। तो फर्स्ट जो है निगेटिव है, सेकेंड भी क्या है निगेटिव है। निगेटिव मीन्स क्या इंडिकेट करता है, टूवर्ड सेंटर। सो वन एंड टू टूवर्ड सेंटर मतलब डाउनवर्ड में आएगा। सो मैंने एक पॉइंट लिया, ओके, और फिर मुझे पॉइंट नंबर वन देन पॉइंट नंबर टू, तो मुझे ये लाइन मिला बिकॉज ऑफ वन टू, क्योंकि निगेटिव थे टूवर्ड सेंटर। नेक्स्ट क्या देखना है, थ्री एंड फोर, देखते हैं थ्री कैसे हैं। थ्री माइनस 0.18 और फोर क्या है प्लस 0.18। सो थ्री कैसे आएगा टूवर्ड सेंटर, फोर क्या आएगा अवे फ्रॉम द सेंटर। सो थ्री कैसे आएगा टूवर्ड सेंटर, तो थ्री कहाँ पे, यहाँ पे है टूवर्ड सेंटर, मीन्स मुझे जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। ओके, प्रॉपरली ड्रॉ करता हूँ। सो मुझे मिलेगा पॉइंट सी डैश। अब डैश लिखो कुछ भी लिखो, डजंट मैटर, मैं तो बोलता हूँ वन टू थ्री फोर ही सीधा लिख दो तो भी चलेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। सो मुझे मिलेगा थ्री टू फोर, अगेन सी डैश पे गया, फोर क्या पॉजिटिव अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब वापस मुझे क्या आना पड़ेगा, रिटर्न आना पड़ेगा। अगेन मैं कहाँ पे आऊँगा, सी पे। सो सिचुएशन कैसे, मैं ऐसे आया ऐसे गया फिर रिटर्न आया। नेक्स्ट फाइव एंड सिक्स, फाइव कैसे हैं कपल का चेक करो, पॉजिटिव, सिक्स भी पॉजिटिव, तो स्केल लेके आपको डिसाइड करना है। सो फिफ्थ सिक्स अवे फ्रॉम द सेंटर, सो आपका अवे फ्रॉम द सेंटर मीन्स फिफ्थ एंड सिक्स यू विल गेट हियर। सो जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे एंड नहीं हुआ है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है, सिंपल है। ओके, तो फिफ्थ एंड सिक्स आपको मिलेगा यहाँ पे। सो अभी आपको क्या करना है, जो डिस्टेंस मिला उसको कॉपी कर लो। तो यहाँ पे अलग क्या है, पहले हम क्या करते थे डिस्टेंस इनटू स्केल करते थे, बट यहाँ पे प्राइमरी है तो आपको क्या करना है ओमेगा स्क्वायर, आपको ये न्यू टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, प्राइमरी में आपको ओमेगा स्क्वायर एंड सेकेंडरी में आपको ओमेगा स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही छोटा चेंज है आपको। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी ओमेगा है, सो आई विल फाइंड आउट कपल, प्राइमरी कपल, न्यूटन मीटर, गॉट इट, सिंपल है। नेक्स्ट अभी सॉल्व करना है सेकेंडरी के लिए, तो वापस से मुझे एक नया डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा सेकेंडरी क्रैंक पोजिशन। तो सेकेंडरी क्रैंक पोजिशन के लिए अगेन स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो अपने आप देखना पड़ेगा आपको टेबल रेफर करना है, 0 डिग्री 360 डिग्री। सो 0 एंड 360 बोथ आर द सेम, सो 1 एंड 2 इज द सेम, तो ये क्या होगा सेम होगा। नेक्स्ट 240 240, कौन 240 पे, 3 एंड 4, तो 240 पे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, यू विल गेट 3 एंड 4 हियर एंड सॉरी 240 मीन्स आएगा यहाँ पे। गॉट इट, सो सिर्फ पोजिशन चेंज हुआ, स्क्रैपिंग हुआ, 3 4 यहाँ पे था तो 5 6 यहाँ पे आ गया, बस इतना ही छोटा चेंज हुआ। नेक्स्ट अभी आपको करना है वापस से फोर्स एंड कपल पॉलीगन, मेरे हिसाब से तो वापस से सेम ही आएगा, सिर्फ पोजिशन चेंज हुआ है, तो 1 2 3 4 एवरीथिंग इज सेम। अगेन वो स्केल डिसाइड करो एज अ 1 सेंटीमीटर या तो फिर 2 सेंटीमीटर, फिर सब कुछ पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, सो 1 टू 2 पॉजिटिव अवे फ्रॉम द सेंटर, अपवर्ड की तरफ आएगा। 5 एंड 6 अवे फ्रॉम द सेंटर, सो अवे फ्रॉम द सेंटर मुझे ये लाइन मिला। फिर 3 एंड 4 अवे फ्रॉम द सेंटर, सो मुझे ये मिला, गॉट इट। नेक्स्ट कपल देखना है, सो अगेन 1 2 को मुझे चेक करना है। कपल का वैल्यूज दोनों भी क्या निगेटिव है, -0.0937 -0.056, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, निगेटिव मीन्स टूवर्ड सेंटर, मीन्स टूवर्ड सेंटर डाउनवर्ड में आना पड़ेगा, सो आई विल गेट दिस लाइन। ओके, नेक्स्ट आपको चेक करना है 5 एंड 6,
5 कितना है पॉजिटिव है, 6 कितना है पॉजिटिव है, मींस पॉजिटिव मींस अवे फ्रॉम द सेंटर। सो 5 6 चेक करो कहां पे, यहां पे है अवे फ्रॉम द सेंटर। सो इट मींस आपको मिलेगा ये वाला लाइन, फाइन। नेक्स्ट अभी आपको चेक करना है 3 4th, आई थिंक 3 इज पॉजिटिव, नो 3 इज नेगेटिव एंड 4th इज पॉजिटिव। 3 इज नेगेटिव मींस 3 इज अ टुवर्ड्स सेंटर, 3 टुवर्ड्स सेंटर आएगा मींस कहां पे आएगा, आपको ट्रेवलिंग करना है यहाँ पे, सो यू विल गेट ई डैश एंड 4th अगेन पॉजिटिव, सो वापस से आपको रिटर्न आना है। तो सिचुएशन कैसे हुआ, ऐसे गया ऐसे आया वापस रिटर्न आया, तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट उसको आप क्या करोगे कनेक्ट करोगे। ओके सो आपको अभी मेजर करना है स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट डिस्टेंस, डिस्टेंस इंटू स्केल इंटू ओमेगा स्क्वायर बाय एन। अभी एन कहाँ से आया था, तो वही तो हमने फाइंड आउट किया था गिवन डेटा में, एन इज एल अपॉन आर दैट इज 4, तो वहां पे मल्टीप्लाई करो यू विल गेट कपल पॉलीगॉन, सेकेंडरी कपल पॉलीगॉन। गॉट इट, काफी सिंपल है, सिंपल है, देखने के लिए सिंपल है बट इसको प्रैक्टिस की जरूरत है। आई होप आपको समझा होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं, द रेसिप्रोकेटिंग मासेस ऑफ द फर्स्ट 3 सिलेंडर्स ऑफ 4, ईच एंड एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट, द रेसिप्रोकेटिंग मासेस ऑफ फर्स्ट 3 सिलेंडर, तो सिलेंडर कितने हैं 3 है, ऑफ 4 सिलेंडर इंजन, सॉरी 4 भी है, 4 तो होता ही है, तो मैं तो पूरा एक काम करता हूँ पूरा न्यूमेरिकल रीड करते फिर देखते हैं। रेसिप्रोकेटिंग मासेस ऑफ फर्स्ट 3 सिलेंडर्स ऑफ अ 4 सिलेंडर इंजन, तो यहाँ पे मुझे पता चला नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितना है 4 है, उसका मासेस दिया हुआ है 4.6.2 7.4 टन्स, तो मुझे मासेस मिले। फिर बोला है द सेंटर लाइंस ऑफ द 3 सिलेंडर्स आर 5.2 मीटर 3.2 मीटर एंड 1.2 मीटर फ्रॉम द 4th सिलेंडर, 4th सिलेंडर से उनका डिस्टेंसेस दिया हुआ है, सो 4th सिलेंडर यहाँ पे है, यहां से उसका क्या दिया है डिस्टेंसेस दिया हुआ है। ओके पहले का है 1.2, सेकेंड का 3.2, मतलब कितना आएगा 2 आएगा, नेक्स्ट का है 5.2, सो ऑलरेडी यहाँ पे 3.2 हो चुका है, 5.2 से वो माइनस करूंगा तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा 2 मीटर। इफ द क्रैंक्स फॉर ऑल सिलेंडर आर इक्वल डायमीटर, सॉरी इक्वल डिटरमाइन, क्रैंक सबका सेम है इक्वल है, डिटरमाइन द रेसिप्रोकेटिंग मास ऑफ द 4th सिलेंडर, आपको क्या निकालना है M4 फाइंड आउट करना है। ओके एंड द एंगुलर पोजिशन ऑफ द क्रैंक, आपको उसका थीटा 4 भी फाइंड आउट करना है, तो एंगल भी निकालना है और आपको उसका थीटा 4 भी फाइंड आउट करना है। गॉट इट। नेक्स्ट The system is completely balanced for the primary force and couple. मतलब primary force and couple क्या आएगा? Balance आएगा means closed polygon आना चाहिए। If the crank radius is 80 cm, crank radius दिया है means R का value given है। The connecting rod length is 3.8. If it is 3.8, तो इससे मुझे help क्या होगा? Obligatory ratio find out करने के लिए। The speed of the engine is 75 rpm. N दिया हुआ है, so I will get omega. 2.16. Find the maximum unbalanced secondary force and crank angle at which it occurs. Question समझा? पक्का? Okay, चलो given data आप लिखोगे, angular position कैसे draw करना है ये भी समझ में आ चुका है। Okay, तो अभी given data लिखा, linear position भी लिख दिया, angular position given नहीं है but आप solve करोगे सबसे पहले table को, mass दिया है, रेडियस दिया हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डिस्टेंस एंड कपल, तो यहाँ पे मिसिंग है, ये आपको ऐड करके लेना है आपके टेक्स्ट बुक में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंगल्स थीटा एंड ट्वाइस थीटा। सो मैंने टर्न्स का कन्वर्जन करके लिया केजी में, सो आई हैव द वैल्यूज ऑफ, बट अननोन क्या है, M4 है, क्रैंक रेडियस दिया था, सो आई विल गेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो ये वैल्यूज पता है मुझे। अभी मुझे कंसिडर करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से लो, क्या अननोन है। ओके तो यहाँ पे सारे डिस्टेंसेस उन्होंने क्या दिए, M4 से दिए, इनडायरेक्टली मुझे रेफरेंस प्लेन उन्होंने किसको लिया है, M4 को लिया हुआ है,
मैं एम फोर को क्या डिक्लेयर करता हूँ एज अ रेफरेंस प्लान. सो ये विल इट विल बिकम जीरो. सो वहां से उसका खुद डिस्टेंस बैक साइड में जाते तो निगेटिव में आपको मिलेंगे. नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके यू विल गेट वैल्यूज ऑफ कपल्स. ओके, इतना काम पूरा हो गया. अभी आपको एंगल्स नहीं पता है, बट इतना बोला है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोर्सेस कपल्स आर बैलेंस. बैलेंस मीन्स क्या है? क्लोज पॉलीगोन है. तो अभी आपको क्या करना है? तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज देखो. मिनिमम अननोन कहाँ पे है? कपल्स में है. तो यहाँ पे मैं इसको क्या होता हूँ 17056. तो डिवाइड बाय मैं इसको क्या करता हूँ, इसको 1.7 लेता हूँ. तो ये क्या मुझे मिलेगा 1.5 सेंटीमीटर. ये क्या मिलेगा मुझे 0. तो यहाँ पे आपको ऐसे मैंने टेंटेटिवली मैंने एक स्केल ले लिया जिसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ. मतलब ओके, सो 17,000 को मैंने 1.7 लिया, 15,000 को मैंने 1.5 लिया और 7,000 को मैंने 0.7 लिया. सो ऐसे करते करके मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ किया 1.7 सेंटीमीटर का. फिर मैंने प्रोट्रैक्टर हाथ में लिया, सॉरी ओके 1.7 लाइन का ड्रॉ किया. फिर आपको क्या करना है, मेजरमेंट लेना है और यहाँ पे आपको एक कर्व ड्रॉ करना है. कितने डिस्टेंस पे? 1.5 पे. फिर 0.7 का यहाँ पे पॉइंट रख के आपको एक दूसरा, देन यू विल गेट कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट. सबसे पहले क्या करोगे, 1.7 सेंटीमीटर का मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया. नेक्स्ट कितना है 1.5 और दूसरा कितना है 0.7. तो एक पॉइंट पे मैंने कंपास रखा, तो मैंने कर्व ड्रॉ किया 1.5 पे और 0.7 पे मैंने ओ डैश पे रखे मैंने एक दूसरा पॉइंट ड्रॉ किया. तो मुझे कॉमन पॉइंट मिला, तो उससे मुझे एक ट्रायंगल मिला. ओके, ये ट्रायंगल आपको शो करेगा ये एंगुलर पोजिशन से. यहाँ पे मैंने लिखा है गॉट द एंगल्स. ओके, तो ये सारे डिस्टेंसेज जो थे अगर आप नोट करोगे, माइनस 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 मीन्स टूवर्ड सेंटर. तो मुझे यहाँ पे जो मिले हुए डिस्टेंसेस है वो माइनस है, मीन्स टूवर्ड सेंटर है. तो वन यहाँ पे जाएगा क्या? नहीं, वन आपको मिलेगा उसके अपोजिट साइड में. नेक्स्ट देखो CP2. सो 2 पॉइंट अभी जा रहा है बट वो है एक्चुअली वो निगेटिव. मुझे जाना पड़ेगा नीचे की तरफ. आई विल गेट 2. नेक्स्ट 3 डाउनवर्ड में जा रहे बट वो भी निगेटिव है, तो वो जाना चाहिए अपवर्ड में. सो ऐसे करते हैं आपको यहां से एंगल्स पता चले. फिर वो जो एंगल्स है, ये जो एंगल्स है वहां से मैंने क्या करूंगा, मुझे θ1 0 डिग्री, θ2 205 डिग्री, θ3 116 डिग्री, θ4 320 डिग्री. यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज एंगल क्यों लिया. अगर कोई बच्चा उसको एंटी क्लॉकवाइज में भी लेता है तो भी चलेगा, ये चेंज होगा. एंटी क्लॉकवाइज में सब जाओगे ऐसे ऐसे मेजर किया तो भी चलेगा, नो इश्यू. ओके, बुक में उन्होंने क्लॉकवाइज लिया है तो मुझे एंगल्स यहाँ पे मिला. θ1 का 0 मैंने लिया तो θ2 मुझे 205, θ3 मुझे मिला 116 और θ4 मुझे अभी तक मिला हुआ नहीं है. ओके, मुझे सिर्फ 4 ही वैल्यूज पता है. सो उसका मैंने डबल किया यहाँ पे. ओके, θ4 स्टिल अननोन. फिर आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे किसके लिए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए. अभी फोर्सेस को देख के भी आप यहाँ पे स्केल डिसाइड कर सकते हो. मैं तो यहाँ पे बोलूंगा 320 को डिक्लेयर कर दो 3.2 सेंटीमीटर, 4960 को डिक्लेयर कर दो एज अ 4.9 सेंटीमीटर, 5920 को डिक्लेयर कर दो 5.9 सेंटीमीटर. ओके, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव. ऐसे करके आप स्केल ले सकते हो. ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो स्केल डिसाइड करने में. तो सबसे पहले वन यहाँ पे देखो, वन क्या है? पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द सेंटर. नेक्स्ट है 3, सॉरी यहाँ पे उन्होंने सिक्वेंस वाइज कैसे गए, 1, 3, 2. ओके, सो 1, 2 पॉजिटिव है,
टू का वैल्यू भी पॉजिटिव है, थ्री का वैल्यू भी पॉजिटिव है, एम फोर क्या अननोन है. सो टू पॉजिटिव मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर. सो मुझे यहाँ पे बी मिलेगा. नेक्स्ट थ्री पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम द सेंटर, स्केल से डिस्टेंस ले लो, यू विल गेट दिस पॉइंट. ओके, पर जहां से स्टार्ट किया था वहां पे एंड नहीं हुआ, तो आपको एक मिलेगा डॉटेड वाला लाइन, और ये डॉटेड वाला लाइन इंडिकेट करता है आपका थीटा फोर. तो यहाँ से आप एंगल मेजर कर सकते हैं हॉरिजेंटल से, और वहां पे आप ड्रॉ कर सकते हैं थीटा फोर. सो नाउ यू विल गेट द एंगल 320 डिग्री. ओके, फिर इसका क्या करोगे? तो यहाँ पे क्या अननोन था? 0.8 m4. तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली लिखा हुआ है. एक्चुअली यहाँ पे क्या होना चाहिए था? स्केल इंटू डिस्टेंस, बट स्केल इंटू डिस्टेंस करके उनको ये वैल्यूज मिला था, स्केल इंटू डिस्टेंस. सो फाइनली यू विल गेट 0 m4 इज इक्वल टू 61200. इट मीन्स उन्होंने डायरेक्टली शॉर्टकट मारा हुआ है, टर्म्स में लिखा हुआ है. गॉट इट? तो यहाँ पे एक और चीज मिसिंग है. यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ओमेगा स्क्वायर. क्योंकि बेसिकली हम क्या देखते हैं, पहले भी देखा था, इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी हमने कवर किया था, प्राइमरी कैसे हम शो करते हैं यहाँ पे, स्केल सॉरी डिस्टेंस इंटू स्केल इंटू ओमेगा स्क्वायर, जो यहाँ पे किया नहीं है. सो दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्केल इंटू डिस्टेंस इंटू ओमेगा स्क्वायर भी यूज करना है. ओमेगा आपको आई थिंक दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है, तो ओमेगा को आपको यूज करना है, देन यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर. सो दिस इज रॉन्ग. क्लियर? नेक्स्ट, फिर एंगल सबको पता है, तो मैंने इसका डबल करके लिया, मैंने थीटा फोर का भी डबल करके लिया. फिर अभी मैं क्या करूंगा, सेकेंडरी क्रैंक पोजिशन ड्रॉ करूंगा. तो सबसे पहले थीटा वन कितना है? 0 डिग्री. तो मुझे ये मिला. नेक्स्ट देखो कितना है, 410. इट इज मोर देन 360, मीन्स 50 डिग्री. क्लॉकवाइज में 50 डिग्री मीन्स यू विल गेट टू हियर. नेक्स्ट 232, थीटा थ्री, यू विल गेट थीटा थ्री. वट अबाउट थीटा फोर? 640. इट इज मोर देन 360, सो यू विल गेट 280 डिग्री. सो आपको यहाँ पे मिलेगा. सो एंगल डबल हो गया, एंगुलर पोजिशन भी चेंज हुआ. फाइन, तो सबसे पहले ड्रॉ करना है किसको? यहाँ पे कपल पॉलीगन पहले ड्रॉ किया तो भी चलेगा. ओके, कपल पॉलीगन देखो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और लास्ट में तो जीरो ही है. तो थीटा फोर तो जीरो है, 1 2 3 तीनों नेगेटिव है. तो वन कहाँ पे है? यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन पे. नेगेटिव मीन्स टूवर्ड सेंटर. ओके, सो यू विल गेट दिस लाइन. नेक्स्ट टू, नेगेटिव टूवर्ड सेंटर मीन्स आपको जाना पड़ेगा नीचे की तरफ. ओके, नेक्स्ट थ्री टूवर्ड सेंटर अगेन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्लोज लूप फॉर्म होगा. फोर्थ पॉलीगन इजी था, अभी कपल का देखते हैं. कपल हो गया सॉल्व, फोर्सेस का देखते हैं. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यहाँ पे सारा वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव. इवन एम फोर भी आपको इस बार पता है, एम फोर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं. सो एवरीथिंग इज पॉजिटिव. सो वन पॉजिटिव अवे फ्रॉम द सेंटर, टू पॉजिटिव अवे फ्रॉम द सेंटर, थ्री पॉजिटिव अवे फ्रॉम द सेंटर, फोर पॉजिटिव अवे फ्रॉम द सेंटर. ओके, सो जहां से स्टार्ट होता वहां पे एंड नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? इनटू स्केल इनटू डिस्टेंस इनटू ओमेगा स्क्वायर, एंड यू विल गेट दिस वैल्यू. ओके, सो पूछा क्या था मुझे? एम फोर का वैल्यू पूछा था, मुझे थीटा फोर पूछा था, और मुझे अनबैलेंस फोर्स पूछा था, जो कि मैं सॉल्व कर चुका हूँ. सो गाइस, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, बट आजकल इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको. मे बी वो आइदर बोलेंगे प्राइमरी को सॉल्व करो, या तो फिर आपको बोलेंगे सेकेंडरी के लिए सॉल्व करो. ओके, लास्ट में एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि बैलेंसिंग को हाथ कभी लगाना है, लास्ट 1 आवर में. ओके, 2:30 to 5:30 का पेपर है. सो आफ्टर 4:30 आप इसको सॉल्व करने को ले सकते हो, या तो फिर आफ्टर 4:15. डोंट गिव मैक्सिमम टाइम टू दिस सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑन बैलेंसिंग, अदरवाइज क्या होगा, बैलेंसिंग का 10-12 मार्क का सॉल्व होगा, बाकी सब स्किप होगा. तो इसको आखिर में सॉल्व करना है, और ये जो डेटा है, गिवन डेटा, टेबल, लीनियर पोजिशन, एंगुलर पोजिशन, जितना हो सके
वो लेफ्ट साइड के पेज पे सॉल्व करना शुरू होगा, मतलब आपका जो बैलेंसिंग का जो न्यूमेरिकल है वो लेफ्ट साइड के पेज पे सॉल्व होगा, और ये जो डायग्राम्स है पॉलीगॉन है वो आपके राइट साइड में सॉल्व होगा। जरूरी कि हर बार आप शीट पे लेके सॉल्व करो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है शीट को अटैच करने में, शीट के ऊपर नेमिंग करने में, सिग्नेचर लेने में, टीचर का साइन लेना है, उस बहुत इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो बेटर है कि छोटा सा स्केल डिसाइड करो और आपके आंसर शीट पे ही इसको ड्रॉ करो प्रॉपरली, मैनेज होता है, होगा प्रॉपरली। ओके, सो लेफ्ट साइड में क्या क्या आएगा, गिवन डेटा, टेबल, लीनियर पोजिशन, एंगुलर पोजिशन, और राइट साइड में क्या आएगा, फोर्स पॉलीगॉन एंड कपल पॉलीगॉन, ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। अदरवाइज अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करते हो तो आपको बैक साइड में जाना पड़ेगा, और जहाँ पे आप क्या क्या मिस करोगे, अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर, तो यहाँ पे आप देखने में गड़बड़ करोगे। ओके, आई होप डॉम के ये जो मैंने जो सेशन कंडक्ट किया था ऑनलाइन आपको समझा होगा। ओके, अगर कुछ क्वेरीज हैं एनी टाइम आप मुझे पिंग करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको ऑन द स्पॉट क्विक रिप्लाई तो नहीं दे सकता हूँ, बट डेफिनेटली आई विल गिव यू रिप्लाई। लाइव सेशन कंडक्ट होगा, बट उसके पहले मैं आपको जो असाइनमेंट देता हूँ सिमिलर क्वेश्चन का, आपको खुद से सॉल्व करना है। इवन जो मैंने क्वेश्चन अभी आपके साथ शेयर किए हैं ये आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। मैं जो असाइनमेंट देता हूँ एक सिमिलर क्वेश्चन, वो भी आपको सॉल्व करना है, फिर हम थर्ड डे पे कंडक्ट करेंगे लाइव सेशन। ओके, सो आपको जो भी फ्रेश डाउट्स जो भी आएंगे वो हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। डॉम सब्जेक्ट काफ़ी ईजी है अगर आप उसको डे टू डे हर दिन उसको स्टडी करते होते हैं, बट अगर कोई सोच रहा होगा कि मैं आखिर का वन वीक बैठता हूँ तो डॉम निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, बी के बाद भी नहीं निकलेगा। ओके, डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। सो गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।